अस्सलाम वालेकुम जी कैसे हैं आप सब आई होप आप सब खैर खरीद होंगे अभी जी शहरी का टाइम है मैं उठी हूँ और सबसे पहले पानी पी रही हूँ और पानी थोड़ा सा मैंने गर्म किया क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा और गला भी बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ हुआ है तो अभी बस शहरी के लिए करने लगी हूँ सैरी बनाने लगी हूँ अम्मी भी उठ के आ गई है तो बस ये अभी हम लोग सैरी रेडी करने लगे हैं मैं और अम्मी हम मिलकर सारा कुछ करते हैं अम्मी पराठे बना लेती हैं मैं चाय बना लेती हूँ और बाकी के छोटे मोटे जो हैं काम वो जल्दी जल्दी हो फिर इस तरह ना किसी को भी देर नहीं होती सब एक साथ बैठ के खाते हैं और जल्दी से सैरी हो जाती है तो फिर बस स्टार्ट करते हैं सैदी और यहाँ पर जी अम्मी ने पराठे बनाने स्टार्ट भी कर दिए माशाल्लाह माशाल्लाह अम्मी की स्पीड बहुत अच्छी है रोटी बनाने में मेरी स्पीड नहीं है मुझे रोटी बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और यहाँ पर अम्मी ने तीनों पेड़े भी कर लिए थे और एक पराठा डालने भी लगी अम्मी पहले जाए तो वे पे ऑयल लगा लेती हैं ताकि रोटी या पराठा चिपके नहीं तो अभी बस अम्मी बेलती बहुत कम है और हाथ से ही ना जाए अम्मी मेरी तरह बिल्कुल नहीं पराठे बनाती मैं दूसरे बनाती हूँ ना बलों वाले आप बहुत मजे को जाती है, है। आप भी खाने वाले मजे वाले हमें तो आपके हाथ के अच्छे लगते हैं बस यही बात है ना कि आपसे कि रही बात बताई जाए तो अच्छी बात है हाँ चाय भी बस पक रही है, फिर साल गर्म करती हूँ दाल अपने और यहाँ पर जी पराठे बन गए थे हम लोग तीन ही हैं और तीन ही पराठे बनाते हैं मतलब कोई लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं सैरी पे के जी रोज़ा रखना है तो ज़्यादा खा ले। लेकिन हम लोग जो है ना बिल्कुल नॉर्मल सा ही खाते हैं तीन पराठे बनाते हैं और अपना अपना पराठा जाना हम लोग खाते हैं और एक भी वो मुश्किल ख़त्म होता है हम लोगों से उसमें से भी बच जाता है तो इसलिए हम ज़्यादा वक्त शैरी का जाना अहतमाम नहीं करते मैंने देखा है कुछ लोग तो माशा माशा बहुत ज़्यादा एहतमाम है करते हैं ना शैरी का भी वो उसमें फेनियाँ भी फ्रूट्स भी दूध भी शेक्स भी सब कुछ यूज़ करते हैं लेकिन हम सिंपल से अफ्तार सैरी करते हैं और यहाँ पर जो सारा नाश्ता लगा दिया है मतलब शैरी लगा दिया है अब मैं ये सबको उठाती हूँ और अभी हम स्टार्ट करने लगे अफ्तारी का व्लॉग असर की नमाज पढ़ ली है तो बस किचन में जा रहे हैं अफतारी बनाने के लिए और आज मैं बनाने लगी हूँ एक स्पेशल सब्सक्राइबर की जो है फरमाइश पे क्रिस्पी पकोड़े की वो रेसिपी शेयर करने वाली हूँ और बताने वाली हूँ कैसे भी बनाते हैं वैसे तो सबको आते हैं लेकिन आज स्पेशली सर उसको डिटेल से बताऊँगी तो यहाँ पर जी मैंने पकौड़ों का जो सारा मटेरियल था वो मैंने काट लिया है और देखे मैंने इसमें हरी मिर्चें भी डाली हैं क्योंकि हरी मिर्चों से फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा आता है पालक के पकौड़े बनाने लगी हूँ क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन है और वो सब लोग बनाते हैं और खाते भी हैं तो इसलिए जी आज मैं आप लोगों को इसके क्रिस्पी और ना तकनीक बताने लगी हूँ कि ये कैसे क्रिस्पी होते हैं सबसे पहले तो आप लोग इसको जितना जल्दी धोकर स्ट्रेट कर, कर लेंगे ना उतना बेहतर है और इसको किसी छान्डी वगैरह में स्ट्रेट करना चाहिए सारा पानी निकालना चाहिए क्योंकि जितने अच्छे से ड्राई होगा उतने ही जैन क्रिस्पी पकौड़े बनेंगे और अभी मैंने इनका पानी स्ट्रेन कर लिया था और अब मैंने इसको एक बॉल में डाला और इसमें डालूंगी मसाले मसालों में मैंने सबसे पहले डाला चाट मसाला सूखा धनिया उसके बाद नमक थोड़ी सी हल्दी हरी और मिर्चें लाल मिर्चें और उसके बाद जी सूखा जो है साबुत धनिया थोड़ा सा डाला है और सा जीरा साबुत पिसा धनिया में इसलिए डालती हूँ कि उसका जो है ना फ्लेवर बहुत अच्छा आता है मुँह में और पिसा इसलिए डाला है कि यूसफ़ को जो है साबुत अच्छा नहीं लगता वो कहते मुँह में आता है तो इसलिए साथ में मैं अजवाइन डाली है वो भी थोड़ी सी डाली और बेसन ऊपर डाल के बिल्कुल मैंने कोई पानी ऐड नहीं किया सारे ड्राई मसाले डाले हैं और ड्राई ऊपर जो है ना सुखा हुआ बेसन डाला और इसको डाल के इसको जितना मतलब के थोड़े थोड़े गीले थे ना चीज़ें उसी में बस इसको मिक्स करके मैं इसको छोड़ दूँगी आप लोग भी जब तक दूसरे काम है वो कर लें इसको छोड़ दें फिर यहाँ पर मैं आलू वगैरह बॉयल कर रही थी और बूंदी वाली चाट बना रही थी उसका मटीरियल रेडी कर रही थी तो यहाँ पर ये देखें जी थोड़ी सी देर बाद जब मैंने देखे तो हल्के हल्के वो नमक और मिर्चें जो होती हैं वो अपना पानी छोड़ जाते हैं जिससे जो बेसन वो अच्छे से घुल जाता है फिर इसमें थोड़ा सा और बेसन ऐड किया और उसको अच्छे से मिक्स किया और फिर हाथ की हेल्प से आप लोग इसको मिक्स करेंगे तो बहुत अच्छे से होगा और फिर हाथ की हेल्प से आप लोग इसको कढ़ाई में डालें और फ्राई करें बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी हो जाते हैं यहाँ पर जो सब जो है ना जलेबियाँ लेकर आए थे क्योंकि <coughs> मुझे जलेबी अच्छी लगती है और सब लोग खाते हैं पुप्पू भी आई थी तो आज बस ये सब जलेबियाँ ले आए और यहाँ पर पकोड़े देखें जी कितने क्रिस्पी जो है ना वो रेडी हो चुके हैं और बस ये अब इसको दस्तरखान पे रखूँगी और अगर आपने इसको मजीद क्रिस्पी करना है तो आप इसमें एक से डेढ़ चम्मच जो है ना वो कुकिंग ऑयल का भी डाल लें उससे भी पकौड़े जो है ना बहुत क्रिस्पी होते हैं तो अब जो अफ्तारी लगाने लगी हो अफतारी में यू सब मेरे पास मेरे लिए लेकर आए थे चिकन वाली कचौरी क्योंकि मुझे बेहद पसंद है यार ये मेरे क्या उसको बोलूँ फर्स्ट लव है जो है ना चिकन वाली कचौरी और उसके बाद जी समोसे थे और उसके बाद जी मैंने दही बल्ले बनाए थे और साथ में जी थी पकोड़े और बाकी की सब चीज़ें थी और शेक बनाया था तो अभी चीज अभी हम लोग जो है ना वो अफतारी करने लगे हैं बस ये सारी चीज़ें थी और ये चावल जो थे वे नेबर्स के घर से आए थे और कचौड़ी के साथ जो है ना बहुत मज़े की ये चटनियाँ भी मिलती है क्या है यार बात है इनकी और साथ में पानी में बनाया मैं था मैंने शेक तो अभी बस अफतारी करेंगे उसके बाद अबू जब आएंगे तब हम लोग खाना खाएँगे तो यहाँ पर जी खाने के जो है क्लिप रिकॉर्ड मैंने नहीं किया तो ये रात को लेट वीडियो एडिट करते करते तो मुझे भूख लगी थी बस मैं दही पड़े थे और यूसफ़ के लिए शेक पड़ा था वो लेकर आई हूँ भी हम ये खाने लगे हैं तो बस ये आज का ये सिंपल सा व्लॉग ये था तो मेरा आज का व्लॉग आई होप मेरा आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा अच्छा लगा होगा और मेरी रेसिपीज आप लोगों को कैसी लगती है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आपकी फरमाइश पे कोई रेसिपी कोई चीज़ बनाऊँ तो आप लोग कमेंट्स में ये भी ज़रूर बताएँ इसके अलावा जी आप लोग मेरी वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर कर दिया करें ये सिंपल से व्लॉग्स आप लोगों के लिए बनाती हूँ ताकि आप लोग अप्रिशिएट करें और आप लोगों का प्यार मिल सके मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में तब तक के लिए आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से बेल आइकन भी दबा दें ताकि हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ब्लॉग के साथ तब तक के लिए आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा मुझे दो तो याद रखिएगा अल्लाह हाफिज़